का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए मसीह के जिंदा में सबको सलाम जितने लाइव देख रहे हैं आपको भी सलाम और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी पाम संडे फ्रेज द लॉर्ड हाले लुया खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे आज का मेरा टॉपिक है किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड किंग जीजस क्या मेरा टॉपिक है बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा यस्सु बादशाह हाल लुया आए मेरे पीछे बुलंदाबाज से कहिए बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा

प्रेज द लॉर्ड मेरे जीजो आप सब जानते हैं कि यीशु ने जब यरूशलेम में एंट्रेंस की तो क्या है कि आज का डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पर लोगों ने क्या है उसका शाहाना इस्तकबाल किया उसको वेलकम किया और हम देखते हैं कि खजूर की डालियाँ उसके आगे बिछाई गई और फिर हम देखते हैं औरतों ने क्या है कपड़े लिए और उसकी ऑनर में क्या है आगे बिछा मेरे अजीजो आज पाम संडे के दिन मैं आपको कहना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा और सबसे ज्यादा ऑनर किसको देना है यीशु बादशाह को अभी हम कोर्स भी गा रहे थे सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा आज बहुत से लोगों ने खुदा को सब कुछ नहीं बनाया हुआ बल्कि दुनिया की चीज़ों को दुनिया की आसाइशों को और तरह तरह की चीज़ों को अपना सब कुछ समझा हुआ है लेकिन आज पा संडे वाले देने से पहले कि हम मजीद कलाम को सीखें मैं आपको इंक्रेज करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा को दें ऑनर योर गार्ड लव योर गारोर हार्ट सोल एंड माइंड कलाम लिखे अपने पूरे दिल जान और बदन से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख तो इसलिए आपकी जिंदगी में बाकी सारी चीजें टेम्प्ररी होनी चाहिए ऑर्डनरी होनी चाहिए लेकिन सबसे कीमती आपकी जिंदगी में क्या है ये सो बादशाह है जब सबसे कीमती वो होगा जब सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे करेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में कसरत की बरकत को लाएगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदाम के कलाम में से हम जिक्रिया उसका नौवा बाप और उसकी नौवीं आयत यहां पर हम देखते हैं कि जिक्रिया नबी ने क्या की प्रपसी देखते हैं उसने यस्सू के बारे में की और बिफोर इट है के हैपन्स्सु जो है वो यरूशलम में एंटर होता यहाँ पर हम नौवीं आयत में देखते हैं बिनते तू शादम हो ए दुख तरे यरूशलम खूब ललकार के देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है वो सादक है और नजात उसके हाथ में है वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं प्रोफ़सी के अंदर हम देखते हैं बिफोर इट हैपन यसु की यरूशलम एंट्री से पहले हम देखते हैं कि वो कहता है वो सादक है और नजात उसके हाथ में है जब यसु यरूशलम में एंटर हुआ ही वॉज ऑन हिज वे फॉर विक He was on his way for salvation. वो फत्ता के रास्ते का वाले दिन करता है। वो नजात का रास्ता जो उसने हमारे लिए खोलना था वो उसके लिए यरुशलम में एंटर होता है और हम देखते हैं कि वहां पर उसका इस्तकबाल किया जाता है मेरे ये हमें यस्सु की एंट्रेस जो मिलती है यहाँ पर हमें नजर आता है कि वो हलीम है उसके अंदर जो है कोई जो है वो बादशाह है लेकिन आपने दुनिया के बादशाह देखे होंगे कि अगर हम ओल्ड टाइम्स के अंदर एशियन टाइम्स के अंदर देखें तो क्या है बादशाह जो थे वो शाही सवारी का इंतख करते और क्या है वो उस पर कहीं पर भी जाते तो एंटर होते बट लुक एट दिंग जीजस आइए हम यस्सु बादशाह की जिंदगी पर गौर करते हैं यह सिर्फ बादशाह नहीं है बल्कि बादशाहों का बादशाह है और इसकी जो एंट्री है क्या है हलीमी के साथ है वो उस मंसूबे को पूरा करने को था जो बाप ने उसे सौंपा था और वो मंसूबा मेरे अजीजों कोई और नहीं था बल्कि मेरी और आपकी मखलसी का था मेरी और आपकी नजात का था उसने खुद अपने आप को मेरे और आपके लिए मौत के हवाला हाँ कर दिया लेकिन मौत उसे अपने कब्जा में ना रख सकी और वो अपने मनसूबे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं और आप उसकी रेजोरक्शन पावर उसकी जी उठने की कुदरत के अंदर जिंदगी बसर कर सके हारे लोया आर्यसु ये की एंट्रेस जिसे हमने आज सेलिब्रेट करे हैं यही हमें लेकर जाएगी गुड फ्राइडे की तरफ और गुड फ्राइडे के बाद अगले इतवार हम रेजोरक्शन संडे को सेलिब्रेट करेंगे कि मेरा और आपका मसीहा जी उठा है हाल लोिया हाली आए जोरदार तालियां बजाएं उसकी खाली कबर के लिए उसकी खाली सलीब के लिए के क्या है के वो मेरे और आपके लिए जी उठा आइए अगर हम यहुन्ना की अंजील उसका बारवा बाप और उसकी बारहवीं आयत से 15वीं आयत तक देखे तो यहाँ पर हमें ये पैसेज मिलता है लिखा है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर यस्सु यरूशलम में आता है खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगी कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ जैसा कि लिखा है कि आयसयून की बेटी मत डर देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है आमीन प्रेस मेरे जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यस्सु जब एंटर हुआ तो हम देखते हैं कि ईद मनाने जो यरूशलम में लोग आए हुए थे उन्होंने क्या किया खजूर की डालियों को लिया अगर आप पाम लीव्स को देखें तो इसकी हर एक डाली जो है वो विक्ट्री को फता को जाहिर करती है मेरे दुनिया के बादशाह जब जंग के लिए निकलते हैं यीशु बादशाह जंग के लिए ही निकला था और क्या है दुनिया के बादशाह जब जंग के लिए निकलते हैं दे गोना विन द बैटल वो नहीं जानते वो जंग को जीतेंगे लेकिन जिस भी जंग को लड़ने के लिए निकलता है वो पहले ही फत्ता का एलान कर देता है और आज सुबह मैं नहीं जानती आप बीमारी की जंग से लड़ रहे हैं मुश्किल की जंग से लड़ रहे हैं हालात है, है परेशानियां हैं दुख है मुसीबत है लेकिन अगर आप अपनी जंग को यहां पा खुदा के हाथ में आज सुबह देंगे लिए अगर किसी बीमारी में है मुश्किल में है तंगी में है परेशानी में है तो क्या है अपनी जंग को यह पा खुदा के हाथों में दे दें क्योंकि यस्सु बादशाह यस्सु के बारे में खूबसूरत बात वो जिस भी काम का आगाज करता है उससे पूरा करता है इसलिए आइए अगर बीमारी में है तो कहिए यस्सु बादशाह आज मैं तुझे अपनी जिंदगी की बीमारी की जंग में दावत देता हूँ तुझे कहता हूँ आ और मेरी इस जंग को लड़ और मैं आपको कहना चाहती हूँ इससे पहले कि आप पाएं जब आप दुआ ही कर रहे होंगे तो तब ही खुदा फत्ता के साथ आपकी जिंदगी में दाखिल होगा हाली लोहिया मेरे अजीजों ख़ुदा ने आपके मुंह के अंदर पावर को रखा है मैं हमेशा कहती हूँ अल्फाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है अक्सर का आप मनफी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई दुआ करते हैं मेरे अजीजों उसके बाद बार बार वही दुआ न किया करें अगर आपने एक दिन दुआ किया कि खुदा मंद तो मेरी जिंदगी में ऐसा काम कर टाइम डजेंट मैटर कई मुआजे इंस्टेंट हो जाते हैं फिल फॉर लेकिन कई मुआजे इट टेक्स टाइम उनके लिए वक्त लगता है लेकिन जब भी आप दुआ करते हैं ये मेरी जिंदगी की गवाही है कि जब मैं दुआ करती हूं उसके बाद नेक्स्ट डे से मैं दुआ ये शुरू कर देती हूं कि खुदावन तेरा शुक्र करती हूं कि तूने कर दिया है इवन दो के वो फिजिकली तौर पर आपको नजर नहीं आ रहा होता लेकिन जब आप ईमान से डिक्लेयर करना शुरू करते हैं तो ये ऐसे ही है कि जैसे ऐलान तो का कर दिया हालिया और हमें मखलशी किसी बकरे और बच्छरों के लहू से नहीं हमारा कफारा किसी आम लहू से नहीं बल्कि हमारी मखलशी और हमारा कफारा यसु के कीमती खून से है हाल लोहिया दूसरी बात मेरे जीजो हम साल ब साल पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं और सोचते हैं कि महज जुलूस निकाल लेना हाल के नारे लगा लेना इस दिन को सेलिब्रेट कर लेना दैट्स इट मेरे जीजो देर इज समथिंग मोर उसकी फर्स्ट आमद हमें ऐसे मिलती है क्या है कि वो यरूशलेम में दाखिल होता है और वो हलीम है और नजात उसके हाथ में है वो आपका निजात दहिंदा है और जब आप अपना हाथ उसके हाथ में दे देंगे तो आप भी निजात पाएंगे आपके गुना कर्मजी भी क्यों ना होंगे वो उनको बर्फ़ की तरह धोकर पाक और साफ करेगा जिस यस्सु बादशाह के आप मानने वाले हैं अगर वो हलीम है तो आइए आप भी अपने आप को हलीम कर लीजिए अपने अंदर से जो सीड बलीस ने आपकी जिंदगी में बोया है उसे निकालिए और खुदा के सीड को अपनी जिंदगी में लें और उसे कहें खुदावन तू हलीम है मुझे भी तब्दील कर अगर नहीं भी आप हलीम नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड लेकिन जब आप खुदावन से कहेंगे इरादा कर लेंगे तो खुदावंद आपको तब्दील करेगा लेकिन जब इरादा ही नहीं करना तो फिर जितना कुछ भी नहीं होना इसी तरह मेरे अजीजों मत समझें कि सिर्फ पाम संडे वाले दिन पाम संडे को सेलिब्रेट कर लिया देर इज समथिंग मोर अब मेरा और आपका बादशाह यस्सु बादशाह बादशाहों का बादशाह दोबारा वापस आने को है पहले तो वो यरूशलम में आया उसने गधे का इंतखब किया उसने आपको हम्बल किया लेकिन आइए हम उसकी सेकंड कमिंग के बारे में भी देखते हैं आइए मेरे साथ मकाशफा उसका उन्नीसवा बाप फ्रेस लॉर्ड, उसका उन्नीस बाप और उसकी ग्यारह से सोलह आयत यहाँ पर लिखा है फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिससे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वह खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ़ महीन के तानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और लोहे के आसा से उन पर हकूमत करेगा और कादर मुतली खुदा के सख्त गजब की मैं के एवज में अंगूर रों देगा और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह खुदा बंदों का खुदा मेरे जीजों ये जो पाम संडे गुजर गया जिस दिन यस्सु ने यरूशलेम में एंट्रेंस की लेकिन अब जब हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं अब हमें इस तस्वीर को देखना है जो हमें मुकाशफा उन्नीसवें बाब की ग्यारहवीं आयत से सोलहवीं आयत के अंदर मिलती है वो बहुत जल्द दोबारा वापस आने को है और वो वापस अपनी दुल्हन को को लेने आने को है और मेरे जीजों, वो उनको ही लेकर जाएगा जिनके जामे धुले होंगे जो बेदाग होंगे जिनका हाथ यीशु के हाथ में होगा वो ही उसके साथ जाएंगे जो कहते हैं ना दुनिया ने भी खुशी करना है तो खुदा न दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है इसलिए आज पाम संडे के दिन मैं आपको इनक्रेज करना चाहती हूँ आइए अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लीजिए आइए अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार कीजिए और यहाँ पर है पहले वो क्या था गधे पर गधे के बच्चे पर जो है गधी के बच्चे पर आया था दूसरी हम उसकी कमिंग पे देखते हैं कि वो क्या है सफ़ेद घोड़े पर फिर क्या है सच्चा और बरहक है रास्ती के साथ इंसाफ और आपके बेहाफ पर वो आपकी जंग को लड़ेगा उसकी आँखें आके शोले हैं उसके सर पे बहुत से ताज हैं मेरे अजीज़ों और क्या है उस और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं और उसका नाम कलाम में खुदा है आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार है मेरे अजीजों यह मंजर जो हमें मिलता है और सोलहवीं आयत में हम देखें कि उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा मेरे अजीजों आइए अपनी ज़िंदगी के अंदर ग़ौर कीजिए लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दिकेंड कमिंग ऑफ जीजस मेरे अजीजों ये संडे का दिन यसु मसीह की यरूशलम में एंट्रेंस यसु मसीह का मेरे और आपके लिए नजात की तरफ जाने की जो उसकी एंट्रेंस है वो हो चुकी है लेकिन अब जो है वो दोबारा वापस आने को है आइए अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए कि अगर ज़रूरत है अपने आप को तब्दील करने की अगर जरूरत है कि आपके जामे भी धोए जाए और आप भी बर्फ की तरह पाक और साफ हो जाए तो फिर क्या है कि अपना दिल यस्सू से लगाएं जिंदगी में गलतियां खताएं हैं तो उसके पास आएं उसकी सलीब के पास आएं और अपने गुनाह उससे दे दीजिए गुनाहों का इकरार कीजिए तोपा कीजिए और हमेशा की जिंदगी के वारस बन जाए यह ना हो कि उन कुंवारी की तरह जो सो गई और वक्त आया और दूल्हा गुज़र गया वही कवारियां जो थीं जिनकी मछलें जल रही थी जो जाग रही थी वही जो है उस दूल्हे के साथ अंदर एंटर हुई दिस इज़ हैपन सेम इसी तरह से हमें दोबारा मंज़र नज़र आता है वही लोग जो हैं वो यीशु के साथ जाएंगे जो तैयार होंगे तो इस पाम संडे के दिन मैं आपको कहना चाहती हूं आर यू प्रपेड क्या आप तैयार हैं अगर तैयार हैं तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर आइए दूसरों को तैयार कीजिए अगर आपके कोई इर्द गिर्द है जो खुदावन से दूर है घर में ऐसा शख्स है तो उसको यस्सु के पास आने के लिए तैयार करें और तैयार है इंज नहीं करना कि जे को खुदा तो दूर है उन गए कहियाँ स्नानिया ने वह और चार कदम दूर हो जाए बल्कि तैयार कैसे करना है मोहब्बत के साथ उसके लिए दुआ करें अगर अगर मेरे जीजो दुआ जो है बंद आसमान को खोलती है तो आपकी दुआ से खुदावंद आपके घर में अगर कोई खुदावंद से दूर है तो उसको भी नजदीक लेकर आएगा हालिया आए हम चंद एक और वर्सेस देखेंगे आइए मेरे साथ मुकाशफा छे बाप और उसकी दूसरी आयत देखते हैं यहां पर क्या लिखा है और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है उसे एक ताज दिया गया है और वो फत्ता किया हुआ निकला है ताकि और भी फतह करे मेरे अजीजो अल मसी बादशाहों का बादशाह खुदा वंदों का खुदा आपकी जिंदगी में विक्ट्री को लाना चाहता है अगर गुजश्ता सालों में आपने नाकामी का सामना किया है गुजश्ता सालों में पस्ती का सामना किया है तो आज सुबह के दिन आई वांट वॉन्ट डिक्लेयर ओवर यू एंड योर फैमिली विक्ट्री इन जीजस नेम आज सुबह मैं आपके लिए आपके खानदानों के लिए फतेह का ऐलान करती हूं नाकामी बस्ती यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से जाती रहे अगर आप ईमान रखते हैं तो आए बुलंद आवाज से कही आमीन, आमीन। क्योंकि मेरे अजीजों हमारा बादशाह जो है वो फतह के लिए निकला है और फतह ही करता जाता है इसलिए अगर अबलीस कभी आपको कहे ना तू कुछ कर नहीं सकता तू हारा हुआ है तो मेरे अजीजो यू नीड टू रिमाइंड द एनिमी यू नीड टू रिमाइंड द डेवल अब लीज को याद कराएं दुश्मन को याद कराएं आई एम ऑलरेडी इन द विनर टीम आप हारी हुई टीम का हिस्सा नहीं है बल्कि आप जीती हुई टीम का हिस्सा है हालेलुया कितने है जो जीती टीम का हिस्सा है हालेलुया और जीती टीम मेरे और आपकी यीशु की है हालेलुया आप लूजर नहीं है आप विनर है हारे हारे हुए नहीं है बल्कि और जीती हुई टीम क्या करती है शादमान होती है अक्सर उकात कई प्लेयर्स की बारी भी नहीं आती लेकिन क्या है क्योंकि वो टीम का हिस्सा होते हैं और सिर्फ बैठे होंगे पवेलियन च कई प्लेयर्स को खेलने का मौका भी नहीं मिलता बट दे इससे पहले कि वो खेले दे आर इन दिनर टीम उनकी टीम जीती है तो वो भी जीतते और जश्न करते हैं इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ आप जीती हुई टीम का हिस्सा हैं आप बस पवेलियन में बैठेंगे और देखेंगे और आपके बेहाफ पर यीशु आपकी जंग को लड़ेगा आपके बेहाफ पर यीशु आपके लिए सब कुछ करेगा हाली लुया आयमकाशफा सतारा बाप और उसकी चौदह आयत चैप्टर नंबर सेवनटीन वर्ड्स नंबर फोर्टीन और यहाँ पर लिखा है वो बरा से लड़ेंगे बरा उन पर गालिब आएगा क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे बुलाए हुए कौन है जरा चेक कीजिए बरग़ज़ीदा कौन है फिर उसके बाद तीसरी बारी वफादार कौन है आजकल वफादारी बड़ी काट मिलती है लेकिन तीन बातें जो बुलाए हुए हैं और मेरे चीजों यू ऑल आर कॉल्ड वो आप सब को बुलाता है आप सब बुलाए हुए हैं हाले लोहिया यू ऑल आर इनवाइटेड उसने आप सब को दावत दी है फिर उसके बाद पहला स्टेप बड़ा इजी है बुलाए हुए हैं कि इनविटेशन मिल गया बड़े खुश हैं लेकिन दूसरी बात बरगजीदा चेक कीजिए और फिर बरगजीदा वाला स्टेप अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वफादार कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा तीन बातें अगर हमारी जिंदगी में होंगी तो फिर हम भी आएंगे वो इसीलिए आया है ताकि क्या है गालिब आए फता पाए आपके बेहाफ पे वो बली से दुश्मन से हर एक जंग को लड़े लेकिन ना सिर्फ वो खुद बल्कि वो चाहता है कि जो बुलाए गए हैं जो बरगजीदा हैं जो वफादार हैं कलाम बताता है कि वो भी गालिब आएंगे हारे तो मेरे संडे के दिन मैं आपको कहना चाहती हूं यरूशलेम में एंट्रेंस हो गई है नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप आइए अब अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता लेकिन आप अपने आप को तैयार रखें जब भी वो आए वो आकर कहे वेल डन माई सन वेल डन माई बेटी हारे कितने जो चाहते हैं कि वो आपके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें हारे तो आइए इस संडे के दिन ना सिर्फ़ पाम संडे की सेलिब्रेशन करें बल्कि अपने आप को भी उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करे क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का आइए सब हाथों को उठाकर आवाज से कहिए बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा हाल आए सब आंखें बंद हो जाएं हाथ इसी तरह से बुलंद रखिए खुदा का पाकरू कह रहा है आज सुबह मैं आपके लिए आपके खानदानों के लिए फत्ता को मांगना चाहती हूं कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं जिससे मेरा और आपका मसीहा शिफा ना दे सके कोई मुश्किल इतनी बड़ी नहीं जिससे मेरा और आपका मसीहा हल ना कर सके वो हल मुश्किलात शिफा का मंबा बादशाह का बादशाह खुदावंतों का खुदा आज आपके में मौजूद है आइए अपने हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए अपनी जिंदगी में भी जो मसला है आइए यसू बादशाह के आगे रखिए और आज वो आपको बीमारी पर फता देने को है मुश्किल पर फतेह देने को है गुर्बत पर फता देने को है आपके हालात तब्दील होने को है आप कामयाबी पाने को है आप जिस भी काम को हाथ लगाएंगे बरकत पर बरकत पाएंगे हाले हालेलुया हाले ओ राष शांत रे बे 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 इन थो शांत रे बे हाले बे, बे हालेलुया ओ लॉर्ड थैंक यू जीजस दैट वी हैव विक्ट्री इन यू हम तेरा शुक्र करते हैं हम तुझ में फता पाते हैं लुया खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुल पा खुदा जलामानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए आज की पाम संडे की सेलिब्रेशन के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं देख पा खुदा के तू हमारे लिए देख पा खुदा मखलसी के मनसूबे को लेकर आया और फत्ता के साथ युशलम में दाखिल हुआ ताकि मौत और कबर पर फतह पाकर हमें फतेहमंद जिंदगी दे सके हम तेरा शुक्र अदा करते आज जितनों ने खुदावन तेरे कलाम को सुना मैं इनके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ जितने लाइव इस वक्त देख रहे हैं मैं इनके लिए भी तेरी बरकत चाहती हूँ फसल बख्श ये अपने आप को अब तेरी दूसरी आमद के लिए तैयार करे और देख पा खुदा और दूसरों को भी तैयार करे ताकि जब तू आए हम तेरे लिए तैयार हो देख पा खुदा फजल बख्श खुदावंद हम ना सिर्फ बुलाए हुए बने रहे बल्कि हम बरगजीता बने हम वफादार बने और गाले बाएं और बरकत पाए आज सुबह खुदावंद तू मेरा बादशाह है तू खुदावन मेरे प्यारे इस वक्त जितने चर्च में बैठे हैं तू लाइव देख रहे हैं तू इनका बादशाह है देख पा खुदा और तू बादशाहों का बादशाह है हम तुझे ऑनर देते हैं तुझसे कीमती और कोई चीज नहीं खुदावन और खुदावन आज के सारे कलाम का इज्जत जलाल ऑनर तेरे बेटे यस्ू के नाम को देती हूँ आज के कलाम के वसीला से ये शराब हो बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल दे मसी के नाम से बादशाहों का बादशाह बादशाहों का बादशाह द लॉर्ड कितनों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है प्रेस आए जोरदार तालियां खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है जब भी उसका कलाम नाजिल होता है रायगा नहीं जाता बेतासीर नहीं लौटता हालेलुया